और जनरल सेक्रेटरी ढींगरा साहब का इस खास प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं और विलंब ना डालते हुए इनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोगों को संबोधित करें। रंधावा जी, मैं पहला तो सारे नवे साल की मुबारकबाद देना और साडे मीडिया इंचार्ज सोशल मीडिया इंचार्ज अलका लांबा जी जो दिल्ली तो अपॉइंट किए गए हैं ढींगरा साहब बैठे आ अज एक तौर मैं बेनती करूँगा कि अज एक गलते ही फोकस रखना वो जो केजरीवाल इतने आके कह रहे ने कि जड़ा केस किया बिक्रम मजीठिया से वो बहुत कमजोर है और बार बार मैं एक गल करनी चाहना सब तो पहली कि साड़ी गवर्नमेंट ने आके सब तो पहला कोर्ट के असी गए कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि जी एस टी एफ टी रिपोर्ट्स ने इन्हों ओपन किया जाए तो कोर्ट ने कहा तुम सारे ने जी कोर्ट के हों तुम आप भी उन्होंने देखते रहे हो उन्होंने कहा कि तुम्हें रोके किसी ने नहीं बहुत तो सुते सीगे कि आज तक कोई ये एक्शन नहीं किया इमीजिएटली ये असी अपना स्टार्ट किया एफ आई आर की बाद रेड किए वक् वक् चैनलों ने कई ने चलाए भी ने कई को नहीं पहुँची होनी और अज तक जेड़े वो बंदा भगौड़ा पेश नहीं हो सकिया ये सारी चीज़ा मैं कहना चाहता मैं केजरीवाल साहब एक चीज़ पूछनी चाहता कि तुसी कह रहे हो कि कांग्रेस उन्होंने नाल मिली हुई है उन्होंने जेडे उन्होंने माफ़ीनामा मंगिया जेडे माफ़ी मंगी आ केजरीवाल के साइन ने ये तो चन्नी साहब जां सुखजिंदर सिंह रंधावा नहीं गए कि वो को और ये भी वो साइन ने कि जेडे उन्हें कह रहे हो मजिठिया कि तेरे में जान है तो मेरे को पकड़ ले नहीं तो तेरे को मैं पकड़ूंगा तो सब तो पहला केजरीवाल उदे जाके पैरों से डिगया और माफ़ी मंगी ये केजरीवाल साहब का जेड़ा माफ़ीनामा ये तुहाडे सारे को आ गया। उसके बाद एक चीज़ मैं तुहानू होर दसनी चाहना कि इन्होंने केजरीवाल साहब कहते कि कांग्रेस के बारे जेड़ा पंजाब की गल जे करिए शांति मार्च कोई मार्च मैं एक चीज़ केजरीवाल को पूछना चाहना कि जेड़िया बंदिया ने जेड़े आदमियों ने पंजाब च आम आदमी पार्टी खड़ी की उन्हां चो अज एक बंदे का नाम दसन कि वो उन्हां दे नाल है सब तो पहला सुचा सिंह छोटेपुर फुलका साहब धर्मवीर गांधी जां होर भी जेड़े ने दो तीन एम पी सीगे जेड़े दो बने सीगे फतेहगढ़ साहब ते फरीदकोट तो उन्हां दे विचों एक भी इन्हां दे नाल नहीं रहा ये पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा फिरन ते तुहाडे सामने ही आ कि बाईयां एम एल ए दे विचों बारह इन्हां नूं छड्ड गए एक दो हुण इन्हां नूं वापस चले गए तो ये सानू दसण दी बजाए ये आप ते दसण कि इन्हां दे कित्थे आ जिहड़ा जिस वेले 2017 च इन्हां दा तुसीं सारिआं ने उहनूं देखिआ। मैं एक चीज़ होर दसनी चाहुंदा कि केजरीवाल साहब ये पंजाब आ पंजाब दे लोग गल्लां नाल नहीं चलदा काम इत्थे काम करके और पंजाब दी गल करके इत्थे गल कीती जांदी आ। मैनूं कई बार उन्होंने सुनिया मैं कई बार मैं सुनता उन्होंने कि नैशनैलिटी की जो गल करनी या कोई होर गल करनी अतवाद की गल करनी मैं केजरीवाल चैलेंज करदा कि मेरे नाल बैठ के वो डिबेट करे कि जेडे 84 तो बाद जो अतवाद चलिया 10 साल पंजाब अतवाद की हनेरी दे विच इत्थे रहा तो वो केजरीवाल एक बारी जा उस वे नौकरी करता सी ते जां कोई होर सी जां इन्हें कभी भी आके पंजाब अतवाद के अगेंस्ट जां वक्खवाद के अगेंस्ट अज भी नहीं गल की ते ये सानू दसणगे कि पेट्रियट की हुंदा देशभगती की हुंदी है। दूसरी चीज़ मैं तुहानू अज बिक्रम मजीठिया ते आपां रखांगे ये एक अकाली दल ने एप्लीकेशन दित्ती सी टू डिप्यूट एंड इंपार्शल हाई रैंक पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इन टू द
कोल्ड ब्लड पोलिटिकल मर्डर उस वेले जिहड़ा मेरे इलाके च एक होया सी उहदे च अकाली दल दे साइन ने श्रोमणी अकाली दल वालों दित्ती है जी उन्होंने 26/11/19 नूं ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18/2/2020 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5/12/2019 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18/2/2020 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਟਲ ਕੀਰਤਨ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਰ ਕੁਰੈਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ 5/5 ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ
क्यों? क्योंकि आरोप लगे बदले की भावना नाल किता जा रहा है। साडा यह कहना है बदले की भावना नाल नहीं, नशा माफियावां नूं बचाण लई, बचाण की भावना लई अज सर एक हो गए ने। बदले की भावना और बचाण की भावना सारे एक हो गए ने। आम आदमी पार्टी होए, बीजेपी होए, अकाली दल हो, साढ़े हाल ही के पूर्व मुख्यमंत्री होन, सारे उम्मीद की जाती सी जिन्होंने पंजाब नू बर्बाद किया, यह कार्रवाई का वो सारे स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। पर स्वागत करन दी बजाए क्या जी, यह तो राजनीति है, यह तो बदले की भावना है, स्वागत नहीं किया। दूसरी गल, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर और वीडियो के माध्यम तो पुलिस की जांच नू पटरी तो लाने का काम किया है। कहते हो कि एक तरीक नू मजीठिया स्वर्ण मंदिर देखा गया है, पुलिस के कैमरे लगे ने, कोई एवजी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच नू पटरी तो लाने लई झूठे वीडियो, झूठी फोटो पुरानिया पाके किता कहा जा रहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। कि 10 साल भाजपा और अकालिया की सरकार रही, सही क्या 2013 भी 6,000 करोड़ का जरा नशे का पांडा फोड़ होया, इन्हों का नाम आया, बचाने का एक काम करते रहे। फिर साढ़े पूर्व मुख्यमंत्री जरा भाजपा की गोदी जाके बह गए ने, उन्होंने भी बचाने का काम किया। चन्नी सरकार ने, चन्नी जी ने 100 दिन की उपलब्धि दसी, जो सब तो वड्डी उपलब्धि नशा माफियावां ते शिकंजा कसण दी है। रंधावा जी ने तुहानूं सबूत दिते, अकालिया ने तुहानूं असीं दे दांगे, खुद इहदी जांच करन वास्ते लिखिया। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री सी, उन्होंने वो जांच नूं अकालिया दे निवेदन ते अगे वधाया। साडी सरकार ने तीसरा कदम उठा के FIR कराती। जेड़ा अकाली भाजपा दे राज विच उड़दा पंजाब नशा मुद्दा सी, अज कांग्रेस दे राज विच पगया फिरदा मजीठिया है, पग रहा है। बेल रिजेक्ट हो गई, पंज नू फिर पेशगी हैगी है। राजनीतिक संरक्षण दिल्ली तो लैके इत्थे तक उन्हूं मिल रहा, उन्हूं बचाया जा रहा हैगा। और असी जेड़े लोग नशा माफिया उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिल्ली तो लैके इत्थे तक देने की कोशिश कर रहे हैं, असी उन्हां दे मनसूबियां ते पानी फेरांगे। खास तौर पर माफी वीर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, असी तो FIR कराईए, असी तो गंभीर असी छड्डन वाले नहीं हाँ। केजरीवाल ने की किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब चुनाव विच मुद्दा बनाया, चुनाव हार गया, दिल्ली चला गया, डर गया और माफी भेजती जी, मैं माफी मांग लैंदा वा। असी अरविंद केजरीवाल नू चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल जी, ये कांग्रेस की सरकार, चन्नी जी की सरकार हैगी, कार्रवाई शुरू हो गई है। तुहाडे कोल जो सबूत है ने, जिहड़े तुसी 2017 के चुनावों विच मंचा तो आरोप लगाए सी, वो सबूत तुहाडे कार दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से जरूर होंगे, असी उम्मीद कर रहे हैं। साढ़े गृहमंत्री बैठे हुए ने, उप मुख्यमंत्री, तुहानू निवेदन करते ने, निकालो सारे सबूत दे रहे 2017 विच मजीठिया और नशे के खिलाफ तुसी मंचा तो ऐलान करते सी, लेकिन सरकार इतों हार के तुसी दिल्ली जाके डर गए, कायर माफीनामा लिखता। असी कहने सानू सबूत दो, तुहाडे कार हैगे ने ना, आओ, या तो कह दो कि यह नशा माफिया नहीं हैगा, माफी मांग ली, मामला खत्म हो गया है। फिर सानू ना कहन जी असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, पकड़ क्यों नहीं आ रहा है। तुसी पहले साफ करो कि तुसी उन्हूं अज भी मनते हो कि नशा दे विच ओदा पूरा रोल है सी, वह दोषी है, उन्हूं सलाखा दे पिछे पहुंचा कर पंजाब का जिहड़ा युवावां दा भविष्य कार उजाड़े गए, वह बदला होना चाहिए। एदे ते एक लाइन नहीं वो बोल रहे ने, एक लाइन नहीं। और यह माफी वीरा कोलों सानू नहीं पूछना हैगा कि पंजाब दी सरकार की कर रही है कि नहीं कर रही है। कि मैं सिर्फ तुहानू इहो यकीन दोबारा दिलान आई हूँ, 5 तरीक नू कोर्ट विच पेशगी हैगी है, पूरी उम्मीद है कानून पूरी निष्पक्षता नाल बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर रहा, काम करेगा। लड़ाई है, लंबी है, कलम जिस दिन जनता ने चन्नी जी दे हथ सौंपी, उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, ए सारी जेड़े दस्तावेज
इंक्वायरी की मांग अकालिया ने की, कैप्टन साहब ने इंक्वायरी अगे वधाई और असी एफ आई आर सारे कागजा वानू एस आई टी जारी साड़ी जांच भी सुप्रीम कोर्ट विच रिपोर्ट पाई है, सबनों आधार बनांदिया होया असी एक कदम चक्या हैगा। इस गल तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पंजाब नू बर्बादी की गई, नशे की लत लाई गई, अपने घर खजाने परे गए। पंजाब अज भी पिंडा विच जाओगे, साड़ी बीबिया मावा नाल गल करोगे, अज भी वह कहिंदे ने जी इन्हां नू छड़ना नहीं, इन्हां नू छड़ना नहीं, इन्हां ने घर बर्बाद किते, पुत बर्बाद किते, साढ़े जड़े मार दिते, अज असी बैठे, इन्हां कोलों बदला लैना हैगा। लेकिन कांग्रेस एक पासे खड़ी है एफ आई आर लैके, और ये माफी वीर एक पासे खड़े ने, ए पूरी एफ आई आर जांच का स्वागत करने की बजाय वह कहते ने यह तो राजनीति है। तो केजरीवाल को चुनौती है, आके कह दें कि यह बिल्कुल राजनीति है, मजीठिया निर्दोष है, मजीठिया का कभी कोई हाथ नहीं रहा, मैं माफ़ी मांग ली है, अगे भी वो एक शब्द नहीं बोलेंगे, यह एक बार साफ कर दे। मैं पहला भी तुम दस के बिक्रम मजीठिया जिन्हों अकाली दल कहता सी कि माझे का जरनैल आ, माझे का जरनैल जां माझ मजैल कोई भी गिदड़ बन के लुकिया नहीं, ये पहला गिदड़ देखिया, ये मजैल भी नहीं, ये उस परिवार के विचों आ जिस परिवार ने जल्लियांवाले बाग दे विच जनरल डायर ने गोलियां चलाईयां, तो इस परिवार ने उहदा आ के स्वागत किया, ये साढ़े बिल्कुल असी नज़दीक पहुँच गए हैं, और बहुत थोड़े दिनों ये भी तुहानू दस देंगे। देखो अज मैं बिक्रम ते करना आ, मैं सरकार काम कर रही है अपना। देखो मैं तुहानू एक गल कहनी चाहुंदा कि साडी गवर्नमेंट तुसी मेरे नाल टाइम टू टाइम गल्लां भी करते हो, तुहानू मैं दसदा भी हाँ कि इत्थे हुण इस गल नू अपन डाइवर्ट बिक्रम मजीठिया दे आपां हुण केजरीवाल वांगू ओदां नू ना कर दईए, उहनू आपां छड़ीए मेरे नाल, ते तुसी अज गल करो बिक्रम मजीठिया ते ते सिद्धू साहब ते आपां फिर सवेरे बैठ के करांगे। मैं कल बड़े वधिया तरीके नाल मेरे ख्याल न्यूज़ 18 च मेरा बहुत वधिया जवाब आ गया। तो आप ये अगली नेक्स्ट चीज दसो, बता तो दिया मैंने उसका लेवल क्या है। मैं इहदे च मैं तुहानू दस देना चाहुंदा, तुसीं मेरा ख्याल पूरा उहनू पढ़िया भी नहीं गा, ते तुहानू मेरा ख्याल पता होना। एक मिनट मैं दसदा, 2019 दे विच एक इनकुआरी मेरे अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार की सी, ना कि बिक्रम मजीठिया अगेंस्ट, तुहानू मैं पहला पढ़ के सुना दी है, तुहानू मैं इहदी रिपोर्ट की जिहड़ी चिट्ठी आ उह वी तुहाडे कोल ही छड़ चलिया, उहदे च मेरे ते एलीगेशन लाए ने, ना कि बिक्रम मजीठिया ते लगे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरी इनकुआरी करवाई सी, तुहानू सारयां नूं याद आ कि एक इनकुआरी हाईकोर्ट दे विच वी मेरे अगेंस्ट इन्हां ने अकाली दल ने पाई सी, मैं अकाली दल चों इह उत्थों हाईकोर्ट ने मैनूं एग्जोनरेट कीता और जिहड़ी इत्थे दित्ती, इस करके तुहाडी इनफॉर्मेशन दी मैं दे रहा, यह बिक्रम दे अगेंस्ट नहीं, यह सुखजिंदर सिंह रंधावा दे अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करवाई सी। देखो मैं उन्होंने मैनूं इन्हां नूं पुछिया कि वह कहिंदे जे मेरे कोल होम होए पंजाब बचाउण लई सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ भी करेगा, पंजाब बचेगा, जरूर दूंगा, मैं हाई कमांड फिर सवेरे कहेगी मैं एक सेकंड दूंगा। मैं कल भी किया, एक मिनट मैं अभी तुहानू क्लीयर कर देनी चाहुंदा, मेरा परिवार एक मेरा परिवार मैं भजा नहीं, मैं कोई हौसले ना बोलो भारद्वाज साहब, मैं हौसले ना बोलो चलो मैं तुहानू एक चीज दस देनी चाहुंदा, मेरा परिवार मैं बोलण दोगे तुसीं बोलना, माइक तुसीं लै लो, पहलो तुसीं बोल लो, मैं तुहानू जवाब दे रहा, एक मिनट शांति रखो ना जी, शिष्टाचार माफी चाहवांगी, है ना, तुसी बड़े बड़े बुजुर्ग हो, अच्छा तुहाडा सम्मान, मेरा परिवार, कुर्सी दो जी, कुर्सी दो,
अगे लिया कुर्सी दो सवाल पूछो जी सवाल पूछो शिष्टाचार थोड़ा बंद करो जेडे कदी मिले नहीं गलत गल है मैं जवाब देना तुहाडी हर वारी नहीं तू मेरे को रिजाइन लेना तो हुणे ले ला एवें गल्लां मारी जानियां मैं चलो मुद्दा 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 मुद्दे नूं पड़काउणे इहदा मतलब तुसी विक्रम दी अज सपोर्ट करन आए हो ते सारा ध्यान डाइवर्ट कर ली नहीं ते नहीं इहदे ते रहो ना 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 मैं